हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मॉड 8 असिंक्रोनस अप डाउन काउंटर और 3-बिट असिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। यानी कि हम अप और डाउन सीक्वेंस एक ही सर्किट में चाहते हैं तो ऐसा क्या करना पड़ेगा, वो भी हम असिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। आई थिंक वो तो हमें पता ही है, वी नो द फॉर्मुलेशन, दैट इज 2 रेज़ टू पावर स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन। This is the very first step we have, isn't it? So, here I'm going to have what? 2 raised to power small n greater than equals to 8. So, n comes out to be 3. So, that means 3 flip-flops are required in order to make this. Guys, ये asynchronous है और मुझे पता है जब भी मुझे asynchronous counters design करने हैं, मैं सिर्फ दो ही flip-flops से बना सकता हूँ, एक JK और एक TA। इसके अलावा ये किसी और flip-flop से नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें toggling action चाहिए। अब मेरे asynchronous के videos देखिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टेट डायग्राम भी एज सच इसमें बना सकते हैं। स्टेट डायग्राम एक्चुअली क्या बनेगा देख लेते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू स्टेट डायग्राम, सो व्हाट आई वांट कि सीक्वेंस इस तरह से चले, 000 001 010 101 100 111 111 back to this. This is the sequence I want. ठीक है, अब यहां पर मैं दोनों चाहता हूं, ये अब सीक्वेंस है गाइस। तो ये कब होगा? ये अब तब होगा जब m क्या है, 0। ये देखिए, जब m 0 है तो मैं अब सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज माई अप सीक्वेंस व्हेन माई m इज 0। सिंपल, अब सीक्वेंस हो गया 0 से 1 1 से 2 3 4 5 6 7। और डाउन सीक्वेंस मेरा तब होगा जब मेरे पास m की वैल्यू क्या है, 1। तो हम क्या करते हैं डाउन सीक्वेंस के लिए, m को 1 ले लेते हैं। दिस इज द कंट्रोलिंग इनपुट वी हैव। बाय दिस कंट्रोलिंग इनपुट मैं दोनों सीक्वेंस को एक ही सर्किट में कर सकता हूं। So m equals to 0 के लिए I'm going to have the up sequence, m equals to 1 के लिए I'm going to have the down sequence. तो चलिए design करते हैं। ठीक है, step 3, okay, when it comes to step 3, so step 3 में हमारे पास यही है कि मैं सिर्फ इसको JK और TK flops से ही बना सकता हूँ, जहां पर J1 चाहिए, K1 और T1 चाहिए। ठीक है, क्योंकि I need toggling action, उसके बिना game नहीं बनेगी। ठीक है, और टॉगलिंग एक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर आप आपका जेके 1-1 है और T1 है ना, अगर आपकी कोई भी लेट्स से प्रेजेंस रेट 1 है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी 0, अगर 0 है तो 1। दैट्स व्हाट टॉगलिंग एक्शन इज। चलिए ठीक है, होपफुली अप टू दिस पार्ट एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ स्टेप 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 4 इज, इन ऑर्डर टू मेक अप और डाउन सीक्वेंस इन अ सिंगल सर्किट, तो पहले एक सर्किट डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, फिर देख लेंगे कि उस सर्किट डायग्राम में क्या रिक्वायरमेंट है जिससे मेरा अप और डाउन सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, आपको सीक्वेंस वाला पार्ट तो क्लियर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर ये क्लियर है तो हम ये हटा देते हैं। होपफुली दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स मेक द सर्किट डायग्राम हियर। ओके, so circuit diagram which I'm going to make here, that is this is the very first flip flop we have, second one, and then the third one. Three flip flops we have. ठीक है, और flip flop का नाम कौन सा है, JK, so that is JK Q Q bar. ठीक है, this is JK Q Q bar, this is again JK Q Q bar. ठीक है, now guys, मैं यहाँ पर negative edge of the clock लेके चल रहा हूँ, this is the very first clock we have. अगर जहाँ सबसे पहला clock apply होगा वो किसकी तरह act करेगा, LSB की तरह। पुराने video देख लीजिए मेरे, asynchronous के आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। So this is least significant bit, okay? और यहाँ पर ये है negative edge trigger,
और ये है नेगेटिव एक्सीलेटर. सो दिस इज J1, K1, Q1, Q1 बार, J2, K2, Q2, Q2 बार. सो दिस इज MSB. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अपो डाउन एक में बनाने के लिए करें क्या. अगर आपको याद हो, देखिए, अगर मैं Q0 को, इस Q को नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से कनेक्ट कर दूंगा तो अब सीक्वेंस बन जाएगा. यही तो हमने किया था जब हमने असिंक्रोनस अप काउंटर पढ़ा था. आप Q को नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से कनेक्ट कर दीजिए, आपका अप सीक्वेंस है. वहीं आप Q0 बार को अगर नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से कनेक्ट करेंगे तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, डाउन सीक्वेंस. तो यानी कि मैं एक साथ तो दोनों को क्लॉक नहीं दे सकता, आई मीन दोनों आउटपुट को एक क्लॉक से तो कनेक्ट नहीं कर सकता. तो यानी कि मुझे बीच में ऐसा कोई सर्किट चाहिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो मेरे लिए काम करे. मुझे ये पता है Q0 को इससे कनेक्ट करने पे मेरा अप सीक्वेंस है, ठीक है, और Q0 बार को इससे कनेक्ट करने पे मेरा डाउन सीक्वेंस है. लेकिन मुझे कंट्रोलिंग यूनिट चाहिए, वो कंट्रोलिंग यूनिट हमने स्टार्टिंग में बनाई है, दैट इज M. M जब 0 है तब यहां पर ऐसा कुछ होगा कि Q0 इससे कनेक्ट हो जाएगा, लेट्स से, और जब M1 है तो Q0 बार इससे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें डाउन सीक्वेंस चाहिए. यही तो बोला. तो यानी कि व्हाट आई वांट टू डू, अगर मैं यहां पर इस चीज को समझूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए इसको हटा देते हैं यहां से. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आई नीड वन कॉम्बिनेशनल सर्किट. इसको समझिएगा, मुझे एक कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए जिसमें जब मैं M को 0 दे रहा हूं और जब मैं M को 1 दे रहा हूं, ठीक है, जब मैं 0 दे रहा हूं तो आपका Q नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से कनेक्ट हो. तो यानी कि मेरी जो आउटपुट हो उसमें Q आए और वो कैसा सीक्वेंस हो, अप सीक्वेंस. यही तो हमने बात करी. M 0 है, M 0 पे हमें अप सीक्वेंस चाहिए, तो दैट मींस योर Q शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक. होपफुली आप ये बात समझ रहे होंगे. और जब M1 है तो दैट मींस Q बार दैट नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक. तो आउटपुट पे हमारा Q बार आए तो कौन सा सीक्वेंस चले, डाउन सीक्वेंस. अगर मैंने ऐसा कुछ बना लिया, अगर मुझे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट मिल गया, वो मैं यहां पुट कर दूंगा, ठीक है. आप M को 0 दीजिए, आप M को 1 दीजिए और दोनों सीक्वेंस का मजा लीजिए एक ही सर्किट में. 0 दिया तो अप, 1 दिया तो डाउन. लेकिन ये कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए, ठीक है. M 0 देने का मतलब है आप Q को कनेक्ट करें नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से. ये मैंने पहले वीडियोस में बताया, अगर Q नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से कनेक्ट होगा आप अप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, और अगर Q बार नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से कनेक्ट होगा तो आप डाउन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं. और ये होंगे कैसे एक ही सर्किट में जब M 0 और M 1 है. लेकिन उसके लिए हमें कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए, तभी ये हो पाएगा. होपफुली इतनी बात समझ में आई, ठीक है. तो उस कॉम्बिनेशनल सर्किट को लाने के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम इसको हटा देते हैं, ठीक है. लेट्स फोकस ऑन दैट कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो गाइस उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एक ट्रुथ टेबल बनाना होगा जिससे आपको ये चीज समझ में आए जो हमने लिखी है, ठीक है. आपको बहुत ईजी हो जाएगा. तो एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं. किस किस को इंपॉर्टेंस दिया, एम को, क्यू, Q बार को, या तो Q कनेक्ट होगा क्लॉक के नेगेटिव एज से या Q बार कनेक्ट होगा, उसका रिस्पॉन्डिंग M क्या है, 0 या 1, और उस समय आउटपुट पे क्या आएगा, दैट इज द Y जो हमें चाहिए. ये आउटपुट ही तो चाहिए, ठीक है, इसीलिए सभी तामझाम हो रहा है. चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब तीन इनपुट हैं आपको पता है, इसको लिख लेते हैं. ओके, 110, 111, 3 वेरिएबल, 3 इनपुट्स की 8 केसेस हो गए. अब देखिए जब M 0 है और जब M 1 है, ठीक है. तो जब M 0 है हम चाहते हैं आउटपुट पे क्या है, Q आए. Q क्या है, 0 0 1 1, डायरेक्टली मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया. और जब M 1 हो हम क्या चाहते हैं आउटपुट पे क्या है, Q बार. Q बार आपका नेगेटिव एज से क्लॉक को कनेक्टेड हो, आउटपुट का मतलब है कि वो नेगेटिव एज से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है. तो आप क्या चाहते हैं, Q बार है, खत्म हो गए. तो यानी हमने इस कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए एक ट्रुथ टेबल बना लिया उस कंडीशन को समझते हुए. जब हमने ये कर लिया अब हमें क्या करना है, इक्वेशन चाहिए, तो बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए. उस एक्सप्रेशन से हमारे पता चल जाएगा कि कौन सा सर्किट लगेगा उन फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में. तो बहुत आसान है,
बना लेते हैं के मैप, आपको थ्री वेरिएबल के मैप बनाना है गाइस, इट्स वेरी इजी। इनपुट्स हैं m, q, q बार, 0100011110, 0123456 7। अब बताइए किन किन वैल्यूज पर बन आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो 0123 टू पे बन है, थ्री पे बन है, उसके बाद 4567 फाइव पे बन है, सेवन पे बन है, खत्म हो गया। ठीक है, दो पेयर बने अगर आपको दिख रहे हो, दिस इज वेरी फर्स्ट पेयर भी है, सेकंड पेयर भी है। ठीक है, तो यानी कि एम क्यू क्यू बार 011010, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, एम बार क्यू पहली प्रोडक्ट ऑफ एम क्यू क्यू बार दैट इज 111 and 111, इसको कैंसिल कर लेते हैं, व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग एम क्यू बार। सो गाइस अगर आप ध्यान दें तो फाइनली वाई जो बना वो एम एम बार क्यू प्लस एम क्यू बार है, समझ रहे हैं आप, विच इज नथिंग बट माई एक्सोर गेट, आप चाहें तो एक्सोर गेट लगा दीजिए। ठीक है, अदरवाइज हम इनको अलग अलग भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें वो कॉम्बिनेशनल सर्किट मिल गया। देखिए जब आप एम को जीरो दे रहे हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुली डिजाइन हो रहे, जब आपने एम को जीरो दिया तो ये खत्म हो गया, आपका क्यू कनेक्ट होगा। ठीक है, किससे, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से, आप किसकी बात करें, आप सीक्वेंस की। जब आपको एम को वन देना है तो ये खत्म हो गया, आपका क्यू बार आएगा, वो किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से, आप किसकी बात करें, डाउन सीक्वेंस की, खत्म हो गया, इट्स वेरी इजी, हमें यही लाना था बस। ठीक है, और हम अप और डाउन सीक्वेंस ला सकते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एम जब जीरो है तब मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट पे, अब सीक्वेंस आना चाहिए एम क्यू होगा, क्यू कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से, ऐसे समझ लीजिए। वाई पे क्यू का मतलब है कि दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक, और जब एम वन है सो दैट मीन्स क्यू बार आ रहा है आउटपुट पे, तो उसका क्या मतलब है, क्यू बार इज कनेक्टिंग विद द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक, तो कौन सा सीक्वेंस होगा, डाउन सीक्वेंस। ठीक है, चलिए अब लास्ट में इफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू, लेट्स मेक सर्किट डायग्राम। ओके, लेट्स फिनिश दिस। ओके, तो हमने स्टार्टिंग की थी किससे, थ्री फ्लिप फ्लॉप्स हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप भी है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप भी है, थर्ड फ्लिप फ्लॉप भी है। ठीक है, सो दिस इज जे नॉट के नॉट क्यू नॉट टू नॉट बार, J1, K1, Q1, Q1 bar, J2, K2, Q2, Q2 bar। ठीक है जी, इसको यहां से हटा लेते हैं। M चाहिए आपको, एक सिंपल M की लाइन और एक नॉट गेट के साथ M, तो M bar। ठीक है, जो चाहिए होगा उठा लेगा। अब ये फ्लिप फ्लॉप किससे कनेक्ट होंगे, लॉजिक वन से, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, लॉजिक वन से, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, लॉजिक वन से। ठीक है, असिंक्रोनस है, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक लेके चल रही है, दिस इज क्लॉक, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, चलिए एम बार क्यू क्यू बार, ठीक है ये मुझे चाहिए, ध्यान दीजिए कौन सा गेट चाहिए होगा, ऐसे तो मैं ये एग्जॉर गेट से खत्म कर सकता हूँ, बट आपको दोनों इनपुट दिखाने हैं, Q एक बार Q नॉट और Q नॉट बार है, ठीक है एक बार Q1 और Q1 बार है, तो ध्यान दीजिए मैं एक AND गेट यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक AND गेट यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, M बार Q, M बार यहाँ से और Q यहाँ से गया। ठीक है, अगले वाले में एम क्यू बार, एक एम यहाँ से है, इसको कनेक्शन को एम चाहिए हमें, है ना, तो एम यहीं से ड्रैग कर लेते हैं, चलिए कोई बात कंफ्यूज मत होइएगा, एम यहाँ से है और क्यू नॉट बार यहाँ से आया, और हमने इसको किस में दिया, और गेट में, और वो किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक से, वेरी इजी, होपफुली आर गेटिंग दिस थिंग। यही सर्किट लगाया, पहली बार वो क्यू नॉट और क्यू नॉट बार हो गया, ठीक है, और आपने उसको नेगेटिव एज से कनेक्ट किया है, तो एम जीरो ए वन के अकॉर्डिंग वो अप और डाउन बनेगा, सेम कॉम्बिनेशन सर्किट यहाँ आ जाएगा गाइस, पहले एंड गेट, अब ये क्यू वन, ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, दिस इज क्यू वन बार। ठीक है,
तो हमने इसको किससे कनेक्ट किया, एम बार से, ये एम बार है, ठीक है, ये हमने कनेक्ट किया क्यू वन, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज क्यू वन बार, अगेन अनदर एंड गेट भी है, ठीक है, तो क्यू वन बार चाहिए आपको, ओके, सो क्यू वन बार तो यहीं से आ गया, यू नीड एम, सो वन सेकेंड, द वेरी फर्स्ट केस इज एम बार, तो ये एम की लाइन थी, सॉरी, तो हम एक काम करते हैं, ये एम बार को कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मैं एम से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से ये किस में जाएंगे, और गेट में, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, दिस इज द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। होपफुली आपको बात समझ गई होगी, सारा फोकस इस पे ही कैसे लाना है मैंने आपको समझा दिया, वेरी इजी, ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर माय साइड।